स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहा हूं सिनोनिम सेट प्रैक्टिस पार्ट 3। इसके पहले सिनोनिम्स के हमने सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रैक्टिस किया। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3। आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर 20 में आपने 15 बना लिए, आपकी तैयारी काफ़ी उम्दा है, काफ़ी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। 10 से 15 के बीच आपका स्कोरिंग है तब भी आप कंफर्टेबल जोन में है, सेफ साइड में है। मगर 10 से कम अगर स्कोरिंग कर पा रहे हैं आप, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग मिलकर करेंगे सेट प्रैक्टिस। आप कॉपी पेन लेकर आ जाएं, मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन बोलूंगा, फिर ऑप्शन आपको बताऊंगा और आपने सही ऑप्शन चुनना है। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मेरे कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। आप ये नहीं कि इंतजार करेंगे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर मैं कंफर्म करूंगा, फिर अपने आप को आप जज कर लेंगे कि आप सही है कि गलत है। रेडी? चलिए, कॉपी पेन तैयार आपके पास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी जुडिशियस इन हिज डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए गुड, ऑप्शन नंबर बी नर्वस, ऑप्शन नंबर सी प्रूडेंट एंड ऑप्शन नंबर डी क्लेवर। आपने जुडिशियस का सिनोनिम खोज रहा है। करेक्ट आंसर इज सी प्रूडेंट। जुडिशियस का मतलब होता है ज्ञानी समझदार, और प्रूडेंट का मतलब ही होता है वही ज्ञानी समझदार या विवेकशील। प्रूडेंट का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में विवेकशील, ज्ञानी समझदार, और जुडिशियस का मतलब ही सेम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द लैटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन वॉज पर्टिकुलरली फ्रूटफुल। ऑप्शन नंबर ए बायस, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी रेलेवेंट एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्टिव। आपने फ्रूटफुल का सिनोनिम खोजना है। द सिमिलर मीनिंग ऑफ फ्रूटफुल इन द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर इज डी प्रोडक्टिव। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, परिणामदायक, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3। द नेटिव पीपल हैव बीन गिवन दिस प्रिविलेज। ऑप्शन नंबर ए अब्रॉड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर सी नेशनल एंड ऑप्शन नंबर डी डोमेस्टिक। आपने नेटिव का सिमिलर मीनिंग खोजना है, सेम मीनिंग खोजना है दिए हुए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है डी डोमेस्टिक। नेटिव का मतलब होता है स्थानीय या देसी, किसी खास भाग का, देश के अंदर घरेलू। द नेटिव पीपल का मतलब होता है घरेलू लोग, किसी विशेष क्षेत्र के लोग, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब ही घरेलू होता है, तो नेटिव का हमारा सिनोनिम हो जाएगा डोमेस्टिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द प्लेंटिव गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर फादर्स रिटर्निंग। ए स्मॉल, बी पुअर, सी सॉरोफुल एंड डी अलोन। आपने प्लेंटिव का सिनोनिम खोज रहा है। करेक्ट आंसर इज सी सॉरोफुल। प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी। द प्लेंटिव गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर फादर्स रिटर्निंग। दुखी लड़की अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, और सॉरोफुल का मतलब भी होता है दुखी, तो प्लेंटिव का हमारा सिनोनिम है सॉरोफुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ही वुड ऑलवेज स्कॉफ एट हर अपियरेंस। ऑप्शन नंबर ए प्रेज, ऑप्शन नंबर बी शाउट, ऑप्शन नंबर सी टाउच एंड ऑप्शन नंबर डी कंडेम। आपने स्कॉफ का सिनोनिम खोजने का चारों ऑप्शंस में से।
स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज सी टॉन्च। दरअसल स्कॉफ का मतलब होता है ताना मारना, मजाक उड़ाना, कटाक्ष करना, और टॉन्ट का मतलब भी वही होता है, कटाक्ष करना, ताना मारना। तो स्कॉफ का हमारा सिनोनिम होता है टॉन्ट। वैसे भी ग्रामर की हम बात करें तो स्कॉफ के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन, यू मस्ट पॉन्डर बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए रियलाइज, ऑप्शन नंबर बी केयरफुल, ऑप्शन नंबर सी थिंक, एंड ऑप्शन नंबर डी रिग्रेट। आपने समय दिया जा रहा बनाने के लिए। सही आंसर हमारा होगा थिंक। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना या विचार करना। यू मस्ट पॉन्डर, आप अवश्य विचार करें, बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले। पॉन्डर का मतलब होता है गहराई से सोचना या विचार करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। माई ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन। आपने वेन का सिनोनिम खोज देगा। ऑप्शन नंबर ए सक्सेसफुली, ऑप्शन नंबर बी बैडली, ऑप्शन नंबर सी यूजलेस, एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रूटफुल। कोशिश करेंगे बनाने के लिए। आइए मैं कंफर्म कर दूं, हमारा आंसर होगा सी यूजलेस। दरअसल इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, वेन मतलब व्यर्थ। माई ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन, मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई, दैट इज यूजलेस। तो वेन का मतलब बेकार या व्यर्थ, सिनोनिम यूजलेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। His illness was aggravated by unfavorable conditions. आपने aggravated का synonym खोजना है दिए गए ऑप्शन में से। हमारा पहला ऑप्शन है controlled, ऑप्शन नंबर बी cured, ऑप्शन नंबर सी stimulated, एंड ऑप्शन नंबर डी diagnosed. कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर इज सी स्टिमुलेटेड। दरअसल एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना। हिज इलनेस वॉज एग्रीगेटेड, उसकी बीमारी बढ़ा दी गई बाय अनफेवरेबल कंडीशंस, अनुचित या कह सकते हैं अनफेवरेबल का मतलब होता है साथ ना देने वाला हालात। एग्रेवेट मतलब होता है बढ़ाना, और स्टिमुलेट का मतलब भी होता है बढ़ाना। तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज स्टिमुलेटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यू नीड एडिक्वेट एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एडिक्वेट, ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी, ऑप्शन नंबर बी मैंडेटोरी, ऑप्शन नंबर सी इनफ, एंड ऑप्शन नंबर डी डिजायरेबल। आपने सही ऑप्शन खोज रहा है। करेक्ट आंसर होगा सी इनफ। एडिक्वेट का मतलब होता है उचित या पर्याप्त। एडिक्वेट मनी पर्याप्त धन, एडिक्वेट एक्सपीरियंस पर्याप्त अनुभव। क्वेश्चन नंबर 10, द एडमिनिस्ट्रेशन कुड हैव एवर्टेड दिस मिसहैप। आपने एवर्टेड का सिनोनिम खोजने हैं, खोजेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल्ड, ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी कंडेम्ड। तो व्हाट इज द करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ एवर्टेड अमंग दीज गिवन 4 ऑप्शंस। आंसर इज ए। दरअसल एवर्ट का मतलब होता है रोकना या टालना। The administration could have averted this mishap. प्रशासन इस दुर्घटना को टाल सकती थी, यानी कि रोक सकती थी। तो avert का हमारा synonym हो जाएगा stopped. Avert का मतलब होता है टालना या रोकना। Question number 11. The judge didn't show any clemency to the accused.
ऑप्शन नंबर ए पेशेंस, ऑप्शन नंबर बी प्रूफ, ऑप्शन नंबर सी एविडेंस एंड ऑप्शन नंबर डी मर्सी। आपने क्लेमेंसी का सिनोनिम खोजना है दिए गए ऑप्शन में से। करेक्ट आंसर इज डी मर्सी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। द जज डिड शो एनी क्लेमेंसी टू द एक्यूज। जज ने आरोपी के प्रति कोई भी दया नहीं दर्शाई। क्लेमेंसी मर्सी दया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ही इज अ पॉलिटिकल ल्यूमिनरी इन द कंट्री। आपने ल्यूमिनरी का सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन नंबर ए आइडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सिंबल, ऑप्शन नंबर सी फेमस पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी लीडर। ही इज अ पॉलिटिकल ल्यूमिनरी। आंसर इज सी। ल्यूमिनरी का मतलब होता है मशहूर व्यक्ति, फेमस पर्सन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ अगेंस्ट टैक्स इवेशन। आपने इवेशन का सिमिलर मीनिंग खोजना है दिए गए 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए एब्सकॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी थेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी पेइंग एंड ऑप्शन नंबर डी कलेक्शन। इवेशन। आंसर इज ए। इवेशन का मतलब होता है छिपाना, चोरी करना, खासकर जब कोई टैक्स की बात हो। लोग टैक्स छिपाते हैं, टैक्स को शो नहीं करते या टैक्स की चोरी करते हैं, तो टैक्स की चोरी के संबंध में हम इवेशन का यूज करते हैं। और एब्सकॉन्डिंग का मतलब भी होता है भगोड़ा, लेके भाग जाना। गैर कानूनी ढंग से कोई पैसा लेके भागता है उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। खासकर ये बैंकिंग वगैरह के टर्म में बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं फिर बता दूं, खासकर पैसे के मामले में जो पैसे गैर कानूनी ढंग से गबन करते हैं या चुराते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्डर। और एब्सकॉन्डिंग हो गया हमारा चोरी, टैक्स या पैसे की चोरी। ऑप्शन इज ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गांधी जी इज नोन फॉर हिज एब्निगेशन। आपने एब्निगेशन का सिनोनिम खोजने का है। फर्स्ट स्ट्रगल, सेकेंड मूवमेंट, सी सिंप्लिसिटी एंड डी सेल्फ डिनायल। कोशिश करेंगे, शायद आपको टफ नजर आए, चांस ले सकते हैं आप। करेक्ट आंसर इज डी सेल्फ डिनायल। दरअसल एब्निगेशन का मतलब होता है स्वयं को त्यागना। आप जब अपने आप को कुछ लेने से त्यागते हैं, यानी स्वयं के अंदर जो त्याग की भावना होती है, कहते हैं स्व त्याग। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सेल्फ डिनायल का मतलब होता है स्व त्याग, और एब्निगेशन का मतलब यही होता है, यानी खुद से त्याग करने की जो क्षमता या भावना होती है उसे कहते हैं सेल्फ डिनायल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दिस इज एन एक्सोटिक प्लांट दैट ग्रोज ओनली इन वाइल्ड स्पेसेस। दिस इज एन एक्सोटिक प्लांट दैट ग्रोज ओनली इन वाइल्ड प्लेसेस। आपने एक्सकॉटिक का सिनोनिम खोजने का। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी यूजफुल, ऑप्शन नंबर सी हर्बल एंड ऑप्शन नंबर डी अनयूजुअल। ऑप्शन नंबर सी एक्सकॉटिक हर्बल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Finally, he was proved a humbug. Option number A, humbug. Sorry, I'm very sorry. Humbug. I'm sorry, spelling mistake. Finally, he was proved as a humbug. Option number A, friend. Option number B, well-wisher. Option number C, reliable. And option number D, cheat.
करेक्ट आंसर इज डी चीट। हम्बक का मतलब होता है धोखेबाज, चीट। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ द रेन इज लेटिंग अप, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ लेटिंग अप इन द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी डिक्रीज एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, आई मैं कंफर्म कर दूं, करेक्ट आंसर इज डी। आई एम सॉरी 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 सी, आई एम सॉरी सॉरी सी। लेट अप का मतलब होता है कम होना। नाउ द रेन इज लेटिंग अप, अब बारिश कम हो रही है, यानी डिक्रीज। जैसे द वॉयलेंस इज लेटिंग अप, हिंसा कम हो रही है। लेट अप कम होना, डिक्रीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, वी शुड एसिमिलेट द गुड थॉट्स ऑफ द ग्रेट सेंस, ए रियलाइज, बी फॉलो, सी एब्जॉर्ब एंड डी कंसीडर। करेक्ट आंसर इज सी, एब्जॉर्ब, ग्रहण करना, आत्मसात करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, गांधी सेड दैट इट वुड बी पेरिलस टू एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, पेरिलस। ऑप्शन नंबर ए बेनिफिशियल, ऑप्शन नंबर बी डेंजरस, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी प्लेएबल। सोचेंगे, द करेक्ट आंसर इज डेंजरस। पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक। गांधी सेड दैट इट वुड बी पेरिलियस टू एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए पश्चिमी संस्कृति को अपनाना खतरनाक होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज इस सेट प्रैक्टिस का हमारा आखिरी सवाल है, द मोमेंट द गर्ल हैड अ ब्लीद स्माइल ऑन हर फेस, ब्लीद। ऑप्शन नंबर ए क्लेवर, ऑप्शन नंबर बी श्रूड, ऑप्शन नंबर सी चीयरफुल, ऑप्शन नंबर ए प्रियबल। क्लेवर, श्रूड, चीयरफुल एंड प्रियबल, ब्लीद। आपने ब्लीद का सिनोनिम खोज रहा। कोशिश करेंगे, द करेक्ट आंसर इज सी, चीयरफुल। ब्लीद का मतलब होता है खुशनुमा, खुशनुमा मुस्कान, खुशी दिखाने वाला मुस्कान। ब्लीद का मतलब खुशनुमा या खुशी पूर्वक। ऑप्शन इज सी। इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जज कर लीजिए कि आपने कितना स्कोरिंग किया है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अपने मापदंड को आजमाने के लिए अपना स्कोरिंग करके आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे और खुद जज कर लेंगे कि आपकी तैयारी अभी किस हद तक है, किस स्तर तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।